ऐसा है कि एग्री उड़ान जो है ये जो एक स्टार्टअप होते हैं जिसमें हम एक जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, कोई प्राइवेट जो है नए लोग एक नया आइडिया लेकर बिजनेस में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना कोई कैपिटल नहीं है, उनके पास इच्छा है काम करने की लेकिन एक टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए वो नहीं है, तो इन दोनों का मिलाप करके कि उनको एक टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट देगी और उनको कोई एक मेंटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और शुरू शुरू में कुछ आर्थिक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उनको उपलब्ध कराना ताकि वो जो एक इनोवेशन है उसको एग्रीकल्चर में ट्राई कर सकें और एग्रीकल्चर में उसको ले जा सकें। तो वो तो देखो जब इनोवेशन आएंगी, यदि हमने किसी चीज़ को शुरू ही नहीं किया तो वो आएगी नहीं, तो एग्रीकल्चर में अब ये है कि एक नई ट्रांजिशन की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की आज सबसे बड़ी कमी यही है कि उसमें जो एक प्राइवेट इन्वेस्टर जिस स्टेप पर जिस लेवल पर उनको आना चाहिए था वो नहीं आए। तो जैसे आप देखोगे कि इंडस्ट्री में कितनी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नई नई आती हैं, कभी हम कहते हैं फ्लिपकार्ट आ गया, कभी हम ऑनलाइन कोई चीज़ आ गई, तो पुरानी चीज़ों को पुराने सिस्टम को वो नए सिस्टम से एक बदलाव आ रहा है, उस तरह का बदलाव एग्रीकल्चर में नहीं आज तक देखने को मिला। इसीलिए जो एग्रीकल्चर में इतना जो फार्मर को डिस्ट्रेस है, सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आम किसान एक रेगुलर सिस्टम में एक पेस्टिसाइड या कोई दवाई ले जाता है, वो स्प्रे करता है कीड़ों पर या बीमारी पर, उसकी क्वालिटी क्या है, कीड़े उसे कंट्रोल हुए नहीं हुए, किस मात्रा में उसने अप्लाई किया, खर्च उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया लेकिन परिणाम क्या होंगे ये पता नहीं। क्या कोई ऐसा स्टार्टअप कि हम आपको दवाई नहीं बेचेंगे, हम आपको ट्रीटमेंट बेचेंगे, यदि आपके फसल में कोई कीड़ा लगा है, कोई बीमारी लगा है, आप हमें बताइए, हम जाके उस पर अपने हिसाब से जो दवाई है वो स्प्रे करेंगे और आपके सामने उसके परिणाम आएंगे। तो ये एक सिस्टम को चेंज करना कि इनपुट की सेल के बजाय आप एक सर्विस नए किस्म की देते हैं। इसी तरह मार्केटिंग में हमारे छोटे छोटे किसान हैं, वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर नहीं जा सकते जब तक उनको कोई मार्केट एश्योरेंस नहीं होता, कोई वहाँ इंटेग्रेटर आए, कोई प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से लिंक करे। आज कोई प्रोड्यूसर है वो कोई एक चीज़ खरीदना चाहता है कि मुझे ऑर्गेनिक मेज चाहिए, वो बिलिंग है ऑर्गेनिक मेज के लिए जो नॉर्मल मेज का कीमत 20 रुपये है तो वो 50 रुपये भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो हम ये कैसे एश्योर करें कि किसान उसके पसंद की चीज़ पैदा करे और वो उसको किसान को ज़्यादा बेहतर प्राइस मिले और कंज्यूमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का मिले। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के संस्थान नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें जो एक कॉमन होलसेल मंडी होती है उससे नहीं हो सकता, ये इस तरह की चीज़ें स्टार्टअप से ही हो सकती हैं।